आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स सुजुकी शोरूम किल्लाई नाका बालाकोट रोड दमोई। गाड़ी खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। बिल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के मरियादो थाना क्षेत्र में एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में शिक्षक के द्वारा छात्राओं को कमरे में बंद कर मोबाइल में गाना बजाकर उनसे नृत्य करने को कहा गया। बाद में छात्राओं के द्वारा जब परिजनों को इसकी सूचना दी गई, परिजनों के द्वारा इसकी शिकायत की गई। वहीं इस संबंध में जब शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। क्या कहना है सुनते हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है इस मामले में? ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है और हमने अपने जिले के DPC से संपर्क व्यक्तिगत किया है और उन्होंने तात्कालिक रूप से BRC के माध्यम से ये जानकारी संकलित की है। यह घटना वास्तव में घटी है और वास्तव में घटी है तो इस संबंध में हमने BO हटा को 3 दिवस के अंदर जांच कर प्रतिवेदन सौंपने का लिखा है। और हम ये जरूर कह रहे हैं कि जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है हम उनके विरुद्ध ऐसी घटना करने के कारण निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। सर, अभी कोई पुलिस में शिकायत की गई है कुछ? नहीं, इस स्तर से न तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं न वो हैं, तो पुलिस में तो नहीं की गई है। हाँ, वैसे क्या है, प्रमाणित होने के बाद प्रकरण पर पहल की जाती है। दूसरा, तत्काल जो पुलिस में कार्रवाई संबंधित गार्जियन को करनी होती है। सर, शिक्षक आरोपी शिक्षक जो है नशे में था, उसका मेडिकल परीक्षण वगैरह करवाया गया सर? नहीं, हम वो शिक्षक एप्लीकेशन देके छुट्टी की और अनुपस्थित हो गया है, क्योंकि अवकाश स्वीकृत नहीं है तो उसे अवकाश पर नहीं माना जा सकता है, तो वो अनुपस्थित हो गया है, इस वजह से अभी उसका कुछ भी नहीं करवाया गया है। और ये घटना भी कल की है, नहीं तो करने का पर संपर्क नहीं हो सका है और वो अपना मोबाइल वगैरह सब बंद किया।